मेरी जर्नी बहुत बड़ी नहीं रही है. दिल्ली से मुंबई का सफ़र मेरे लिए बहुत छोटा सफ़र रहा है और बहुत कोइंसिडेंस है कि मैं एक्ट्रेस बन गई. मैं एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी पर शायद लिखा था लक में तो मैं बन गई एक्ट्रेस. एक्टिंग में कोई नहीं है मेरी इंस्पिरेशन पर हाँ मेरी मॉम मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है. और जहाँ तक रही मेरा पहला ब्रेक मुझे सागर पिक्चर्स ने दिया था. उनकी मूवी थी आलह उधल और वो मेरा पहला ब्रेक था. कोई प्लानिंग नहीं है. मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती हूँ मेरे फ्यूचर को लेके और जो होता है बस होता है मेरी लाइफ में. कभी प्लान नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी प्लान करती हूँ तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट ही हो जाता है. तो आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग्स. या आई डोंट बिलीव. फिलहाल तो प्रीतो चल रहा है और आगे दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बात चल रही है पर अभी मैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि प्रीतो से बहुत अटैच हो गई हूँ. तो प्रीतो पे ही पूरा ध्यान देना चाहती हूँ. प्रीतो एक ऐसी लड़की है जो अपनी फैमिली के लिए लड़का है. उसकी बहनें हैं और बीजी से हमेशा अपनी मॉम से उसने हमेशा सुना है कि कोई बेटा नहीं है घर में बेटा नहीं है. तो बचपन से घर का बेटा है. एक लड़के की क्वालिटीज़ उसमें डेवलप हो गई हैं और अभी जो रिसेंट ट्रैक चल रहा है उसमें प्रीतो को प्यार हो गया है. तो प्रीतो को प्यार हो गया है तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक घर का लड़का जिसे सब लोग बोलते हैं उसके अंदर एक लड़की वाली फीलिंग्स आ गई हैं. तो प्रीतो के लिए बहुत अजीबोगरीब है. वो मैं प्रीतो और अंकिता में बहुत फ़र्क नहीं है. प्रीतो और अंकिता बहुत ही सिमिलर हैं और मतलब मेरे को प्रीतो के लिए खास कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी. दोनों ही सिमिलर हैं.